हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने एक लौकी लिया है, मुलायम सॉफ्ट लौकी थी, और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं। यहाँ अभी हमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, केवल लौकी डाल देना है। इसे डालने के बाद हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसे हम भूनने के बाद 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद फिर से चेक कर लेते हैं। तो अभी लौकी देखिए थोड़ी थोड़ी पानी छोड़ रहा है। फिर से मैंने 2 मिनट के लिए लीड लगा दिया था और चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी ये पानी लौकी छोड़ चुका है और दोबारा से मैं लीड लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए लीड लगा देते हैं और दूसरा चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ कुछ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर 10 से 12 मैंने बादाम लिया है, 10 से 12 मैंने काजू लिया है। यहाँ पर 2 चम्मच बड़े चम्मच मैंने किशमिश लिया है। भरक में गोला कसा हुआ नारियल लिया है, कद्दूकस कर लिया है। तो ये स्मॉल कटोरी है, इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी नारियल लिया है कसा हुआ। और यहाँ 3 से 4 मैंने इलायची लिया है और कुछ केसर के धागे लिए हैं, ये देखिए। यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच चिरौंजी लिया है और यहाँ पर 1 चम्मच पिस्ता सजाने के लिए। तो क्या करेंगे, सारे मसालों को, सारे ड्राई फ्रूट को छोड़कर हमें बादाम और काजू को दरदरा सा पीस लेना है। तो ये देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया कुछ इस तरह से। इसे फाइन पाउडर नहीं तैयार करना है, केवल इसी तरह से दरदरा पीसना है। तो इसे रख देते हैं साइड में, चलते हैं अपने लौकी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक पक चुका है हमारी लौकी और पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हल्का हल्का रह गया है। तो अब इसे हम डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब देसी घी। ये बहुत ही अच्छा आने वाला है रेसिपी गाइस। ये हलवा इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा, और खाने में ना जो लौकी का हलवा खाता नहीं होगा वो भी बहुत पसंद करने वाला है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा हलवा। तो यहाँ पर हम उसी कटोरी से भरकर मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, 2 से 3 चम्मच और मैंने लिया है चीनी। तो चीनी को हमें लौकी के साथ, जो लौकी पका रही हूँ इसी के साथ हमें खूब पकाना है। इसकी चीनी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। इतना पकाना है कि लौकी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, चाशनी जो हमारी रहेगी वो बिल्कुल लौकी के साथ पक जानी चाहिए। तो ये देखिए चीनी अभी कुछ इस तरह से पका हुआ। तो इस समय हम डाल देते हैं जो मैंने नारियल का कसा हुआ गोला लिया था, उसे हम डाल देते हैं, कसा हुआ नारियल, और साथ में हम डाल देते हैं किशमिश। ऐसे चला लेते हैं अच्छे से। इसे हमें खूब भूनना है, जब तक कि खूब अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक हमें भूनना है। तो इसी समय हम थोड़ी सी हम डाल देंगे जो चिरौंजी मैंने लिया है वो हम डाल देते हैं। पहले इसकी भुनाई अच्छे से कर लेते हैं। लौकी के साथ चीनी का जो मिक्सर है लिपट जाए अच्छे से, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं चिरौंजी भी डालती हूँ, इसे भी मिक्स कर देते हैं। पहले तो आपको इतनी भुनाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन चीनी डालने के बाद इसको खूब अच्छे से भुनाई करनी पड़ेगी ताकि चीनी एकदम अच्छे से लिपट जाए लौकी के हलवे के साथ। और ये जब हम चलाते हैं तो नीचे से देखिए वाइट वाइट हो जा रहा है, यानी कि लौकी हमारी चिपक रही है कढ़ाई में। तो हमें भूनते ही जाना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, इसे अच्छे से हमें भूनना है। ये जितना भूना रहता है ना गाइस उतना ही अच्छे आने वाला है आपका हलवा, और सभी लोग पसंद करने वाले हैं इस हलवे को। इस तरह से आप अगर हलवा बनाएंगे ना तो गाइस हम गारंटी दे रहे हैं जो नहीं खाता होगा वो भी खाएगा इस हलवे को। और ये मत सोचिए कि ये ड्राई हो जाएगा, जब आप नीचे उतारेंगे ना तो ये खुद ही मॉइस्चर हो जाएगा, बिल्कुल सूखा ड्राई नहीं लगेगा, अब बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनेगा। लेकिन भुनाई इसकी अच्छी होनी चाहिए।
लौकी की और जो भुनाई होती है चीनी के साथ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी तो लौकी का हलवे में मज़ा आ जाएगा। इस तो इसे हमें भूनते जाना है। इसे हम काफी हद तक भून चुके हैं। अब जो मैंने दरदरा सा ड्राई फ्रूट पीसा था, अब हमें डाल देना है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद जो मैं काजू बादाम डालूंगी, उसके बाद हमें ज्यादा भूनना नहीं, केवल मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैं दरदरा वाला पाउडर डाल दे रही हूँ जो काजू बादाम का है, और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहीं पर हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। यहाँ पर हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। केसर के धागे और जो पिस्ते हैं हम जब सर्विसिंग बॉल में निकालेंगे तब ऊपर काम आएगा सजाने के लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जानी चाहिए लौकी, और बन गई हमारी लौकी का हलवा। और हम गैस को कर देते हैं बंद और निकाल लेते हैं अपने सर्विंग बॉल में। तो यहाँ पर मैंने सर्विंग बॉल में निकाल लिया है, और ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है ये लौकी का हलवा, और खाने में बहुत ही टेस्टी आएगी गाइस। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह का हलवा बनाना। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, अपने कान्हा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।